व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। गाइस पिछली वीडियो कितनी बढ़िया थी ना, एक्लिप्स देख के मज़ा आ गया। आई होप आपको भी अच्छी लगी हो। आपने मेरे थ्रू वीडियोस के थ्रू आपने भी एक्सपीरियंस किया हो टोटल एक्लिप्स, और कमेंट्स में बताना आप लोग कितनी बार देख चुके हैं टोटल सोलर एक्लिप्स ओनली, उसकी बात कर रहे हैं बस। आप अपनी लाइफ में आज तक आप लोग कितनी बार देख चुके हैं, मेरा सेकंड हो गया है, दो काउंट हो गए मेरे। एक बार इंडिया में देखी थी, एक बार यहाँ देख ली डैलस में। अब नेक्स्ट हो रही है लैटिन अमेरिका में, मतलब जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे हो रही है आई थिंक इसी साल, बट ऑब्वियसली हर जगह तो ऐसा हम नहीं जाते। अमेरिका में 2045 में हो रही है, 21 साल बाद अगली, तो हु नोज तब तक कौन देख पाएगा कौन नहीं देख पाएगा। बट दो कमेंट दूंगा मैं गाइस इस वीडियो में, आप नीचे देखने में डाल दूंगा। एक कमेंट था कि लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं, एक्लिप्स ही तो है, इट्स जस्ट एन एक्लिप्स, वाई देर लाइक ये शोर क्यों मचा रहे हैं, वाई देर लाफिंग, वाई देर इन्जॉइंग, इसमें बड़ी बात क्या है। तो मुझे ये लगता है कि देखो रेनबो देख के लोग खुश हो जाते हैं, रेनबो तो फिर भी बारिश के बाद 50% टाइम्स आ ही जाता है, रेनबो देख के लोगों को कितना अच्छा लगता है। ये तो एक्लिप्स है गाइज, 50 सालों में एक बार होती है, और बहुत लोग तो देख भी नहीं पाते अपनी लाइफ में, तो आई थिंक इट्स अ बिग डील अगर कोई देख पा रहा है तो, यू नो। और दूसरा कमेंट एक अभी आया थोड़ी देर पहले, लाइक कि भाई इंडिया में तो हर 4-5 साल में हो जाता है। कौन से इंडिया में रहते हो यार आप, टोटल सोलर इक्लिप्स की बात कर रहे हैं, कौन सा हर 4-5 साल में हो रहा है, कहीं नहीं होता। इंडिया में भी लास्ट 94 में देखा था, 94-95 में जब हुआ था तब देखा था मैंने, तो उसके बाद पता नहीं कब हुआ नहीं हुआ। गाइस पिछले एक दो दिन से ना खूब बारिश हो रही है यहाँ पे, तो मैं पता क्या करूँ, उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। जब सॉइल बहुत सॉफ्ट हो ना, तो जो सॉइल के अंदर ऐसे ऐसे पत्थर हों उसको निकाल दो आप, तो मैं निकाल रहा हूँ इसको बाहर, ताकि क्योंकि अगर पत्थर होंगे ना तो घास तो उगेगी नहीं, ऊपर से लॉन मोर के ब्लेड्स को भी परेशान करेगी, काटेगी, अड़ेगा बीच बीच में, और ये बेस्ट टाइम है जब सॉइल सॉफ्ट होती है ना, देखो कितने ईजिली निकल जाएगा, वरना जब सॉइल हार्ड हो जाएगी ना एक बार फिर नहीं निकलेगा। तो मैं निकाल दूँ, ओ भाई साहब तो बहुत बड़ा पत्थर है, ओ शिट इतना बड़ा पत्थर, ओ माई गुडनेस, देख लो भाई लॉन के अंदर कितना बड़ा पत्थर है, ओ शिट देखो कितना बड़ा पत्थर है लॉन के अंदर, कैसे घास होगी यहाँ पे, ये देखो इतना बड़ा पत्थर अगर लॉन के अंदर होगा तो घास कैसे होगी। इसलिए ना बेस्ट टाइम है, एक दो जगह और मुझे पता है पत्थर है उनको निकाल देता हूँ, सॉइल ना सॉफ्ट पड़ी है बहुत। गाइस देखना क्या निकला, कांच लॉन के ऊपर से, पत्थर निकाल रहा था मैं, पत्थर निकालते कांच दिखा, कैसे देखो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कहाँ से निकला है। मैं पत्थर निकाल रहा था, एक पत्थर और निकाला, ये देखो ये टूट गया बल्ब, एक बल्ब फूटा पड़ा है यहाँ पर, एक बल्ब ये भी फूटा पड़ा है, पूरे के पूरे कांच गिरे पड़े हैं यहाँ पर नीचे। आई थिंक ये पक्का हो, जो ओले नहीं गिरे ओलों से फूट गए, क्योंकि दो बल्ब फूटे पड़े हैं। इनफैक्ट है ना सबके सब चेक करता हूँ, ये जो ये बल्ब नहीं लगा रखे हमने यहाँ पर, ये पीछे ये रात को जलाते हैं ना हम लोग, पक्का ओलों से फूट गए दो कांच, देखा किसी के भी चुप सकता था, बड़ी के डैडी के हमारे पत्थर आ रहे जो दो तो बड़ा पत्थर है ये देखो। अब इतना बड़ा पत्थर होगा तो घास कैसे उगेगी यहाँ पे, बट ऊपर थी नहीं घास इसमें, यहाँ पे नहीं थी ना, अच्छा अब आएगी घास। अच्छा किया मैं ये निकालने पहुंच गया, कांच दिख गया, वरना ये कांच किसी के भी चुप सकते थे गाइस। अब थोड़ा सा क्लीनअप और करूँगा, बारिश खत्म हो जाए फिर करूँगा क्लीनअप। गाइस बिंगू की याद आ रही है बहुत, डैडी तेरे को कर दे वाइट कलर का पेंट कर दे तेरे ऊपर, क्योंकि मैं वाइट चाहिए, क्योंकि हमें वाइट अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। डैडी वाइट पेंट करते हैं आपके ऊपर, शू पॉलिश कर दे, शू पॉलिश डैडी के ऊपर वाइट कलर कर देते हैं, वाइट गोल्डन बन जाएगा फिर डैडी भी। बड़ी नीनी कैसी आ रही है, बलिया आ रही है, बड़ी को ब्राउन कर दो, बड़ी आपको वो कर दे एटम बना दो, ब्लैक कर दो, ब्लैक पेंट कर दो, अरे ये बढ़िया गाइस पेंट कर दो, सारे कलर के मजे ले लो आप, इसको ब्लैक पेंट कर दो तो एटम जैसा हो जाएगा। अभी देख रहा गाइस फेवरेट वर्ड्स इसके, यू वांट टू गो कार, लेट्स गो, चलो फिर लेट्स गो घूमी घूमी कार में, ओके लेट्स गो, चलो लेट्स गो लेट्स गो। गाइस आपको एक चीज दिखानी थी, हम बड्डी डैडी के लिए ना एक टॉय लेके आए हैं, इंटरैक्टिव बॉल, तो ये वाइब्रेट करती है बॉल, और इसकी फुल ऑन वीडियो और इनका रिएक्शन वगैरह ना सब हम ये फरी फ्रेंड चैनल पे बनाएंगे, तो अगर आपको देखना हो ना तो उस चैनल पे देखना, लग तो इंटरेस्टिंग रही थी, चार्जिंग वार्जिंग है सब कुछ है, कलरफुल LED, अच्छा टच एक्टिवेटेड, तो ये सब आप
उनके चैनल पे देखना कि भी कैसे रिएक्ट करते हैं ये लोग। बदी फरी फ्रेंड पे ना बेबी, फरी फ्रेंड पे दिखाएंगे ये वाली। सुन अमेरिकन ड्रीम पे तो ना दिखाएंगे, तो फरी फ्रेंड पे दिखानी पड़ेगी। ठीक है फिर हम फरी फ्रेंड पे दिखाएंगे। क्या हुआ ये ब्लैंकेट्स है? बड़ी ब्लैंकेट है, थोड़ी सी बारिश हो गई और ठंड बढ़ गई। तो शॉर्ट्स पहनने को किसने कहा था? गाइस इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है, उसे मजा आ रहा है बट ठंड लग रही है। बड़ी कितने मजे से बैठा है। हवा देखो आज कितनी है गाइस, देखो क्या उड़ रहे हैं मस्त। और ये तो कुछ नहीं है, ऐसे डबल डबल हवा में उड़ रही थी अभी। और एज यूजुअल हमारे यहाँ बन गया, भर गया पानी। तो इससे मुझे याद आया कि मैंने आपको, मैंने तीसरा कोट भी ले लिया गाइस, वो भी बहुत बताता हूँ आपको कितने का आया। तो पहला कोट था $1200 का, दूसरा कोट था $6500 का, वो तो पक्का लूट रहा था मैं। तीसरा कोट है $1800 का, तो आई एम श्योर 1200 से 1800 के मतलब इतना ही रेंज है, तो इतना तो पड़ेगा पड़ेगा। तो अब हम सोच रहे हैं 1200 में ये कराएं, ड्रेन कराएं, ठीक। क्योंकि एक इशू और है हमारे बैकयार्ड में, दूसरा इशू ये है कि थोड़ा सा धूप की ना शेडो आती है, तो आधा पोर्शन बैकयार्ड का घास ग्रो ही नहीं करती क्योंकि घास कुछ ही होती धूप। तो वी आर स्टिल थिंकिंग कि आर्टिफिशियल घास लगवा लें क्या, वो थोड़ी महंगी है, बहुत महंगी है। तो जैसे ही आप देखेंगे हमारा उतना पोर्शन देखो कितने मस्त ग्रीन हो रहा है, घास आ रही है राइट। ये देखो ये ब्राउन है क्योंकि यहाँ पर धूप आती नहीं, शेडो आती है घर की, तो ये भी एक परेशानी है। दो परेशानियाँ हमारे बैकयार्ड में, एक तो ये पानी इशू, दूसरा ये घास इशू। तो लेट्स सी, और ऑब्वियसली आर्टिफिशियल घास लगवाएंगे ना तो मस्त, दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन, बट पैसे बहुत हैं। तो लेट्स सी, स्टिल थिंकिंग। पता है सर घर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। हाँ, घर की वैल्यू भी बढ़ती है, घर की वैल्यू क्योंकि ऐड हो रहा है ना। हाँ, कुछ ऐसा डिफरेंट ऐड। नॉन सबसे पहली पिक्चर ना, जब घर बेचेंगे टर्फ के लिए आएंगे, $9,000-10,000 लग जाएंगे। बट लेट्स सी, मेरे अकाउंट में से ले लो। हां क्या मेरे अकाउंट में से ले लो, कोई बात नहीं। वैसे हाँ वही है ना कि देखो हमारे पास डॉग्स हैं तो हमें फर्क पड़ता है। हाँ, सबको फर्क नहीं पड़ता, सबको ठीक है, थोड़ा होता रहे पानी, हफ्ते में सूख जाएगा। बैकयार्ड में क्या मैटर कर रहा है ना कि अगर पानी आ रही है। हमें फर्क पड़ता है क्योंकि हमारे पास बडी है, टेडी है, और फिर हमारे पास गेस्ट डॉग्स भी आते रहते हैं, फिर हम खेलेंगे कैसे जब पानी रहेगा। तो गाइस मैं ना, मैं एक्चुअली आर्टिफिशियल घास का भी कोट ले रहा हूँ, तो वो भी आपको दिखाता हूँ इनकेस आप भी, आप डैलस में हो और आप इंटरेस्टेड हो, और एक और चीज़, तो वी कैन हेल्प यू विद दैट। सर्दियों में यहाँ पे ड्राई हो जाती है ना सारी घास, ब्राउन हो जाती है सारी। हाँ, क्योंकि ठंड की वजह से ना, गर्मियों में वैसे हो जाता है, ठंड में ही मर जाती है ना घास। हाँ, पूरे साल तो ग्रीन रहेगी, पूरे साल ग्रीन रहेगी, वो भी अच्छी बात है। चलो विल सी। शिवे क्या बना रही हो? लंच। 3 बजे तो लंच खाते हैं हम लोग, तुम 20 मिनट में बना लोगी? 10 मिनट में बना लूंगी। ओह अच्छा, 20 मिनट में, 10 मिनट में। अच्छा जी, रजत की तरह नहीं, रजत को तो अभी 10 मिनट लगेंगे वो करने में, म्यूजिक ऑन करने में, फिर अपनी फील वील आती है रजत को, कुछ पता नहीं क्या हो जाता है, एक छोटी सी दाल बनाने के लिए। हाँ ठीक है, बना लो बना लो, क्रेडिट मत लो ज्यादा, बना लो। ये जितनी रिस्पॉन्सिबल बन रही है ना, आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ गाइस। ये 2 दिन पहले जब मैं लॉन्ड्री कर रहा था ना, जब कपड़े धो रहा था वो, तब मैंने बनाई थी क्लिप, तो देखना जरा इसके बाद अभी की अभी। ये कितनी रिस्पॉन्सिबल बन रही है ना, मैं तो 10 मिनट में बना दूंगी दाल, कुछ भी नहीं है। पहले आप क्लिप देखो फिर बात करते हैं। वो जिसमें तुमने धो दिया था कपड़ों के अंदर ही। गाइस देखो लॉन्ड्री कर रहा था मैं इस समय, अब देखो क्या मिला लॉन्ड्री के अंदर, आपको दिखाता हूँ लाइव। ये देखो क्या निकला, पूरी की पूरी धो दी, और ये है शिल्पा की गलती। शिल्पा शिल्पा जल्दी आओ, देखो क्या मिला लॉन्ड्री में से। अभी पता नहीं, आओ आओ जल्दी आओ, आओ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मैंने वॉश के लिए डाला था, धुल गया ये वॉश के लिए डाला था। हाँ, हाँ धुल गया, बहुत बढ़िया धुल गया, इतना धुल गया कि शायद ये काम भी नहीं करेगा आगे से। मुझे वॉश ही करना था। काम कर रही है देखो।
हाँ तो बस इसलिए तो धोने के लिए डाला था, वॉश हो गया बल्कि मेरे जो नाक की जम्स थी ना वो धुल गई, समझ रहे हो। जय हो तो देखिए आपने के लिए, ये देखो ये सेम वही लड़की है गाइस। अच्छा गाइस एक चीज आपसे हेल्प चाहिए, तो अब बाय द वे कल मैंने पेरेंट्स की टिकट बुक करा दी फाइनली, जून में आ रहे हैं मेरे मम्मी पापा बैंगलोर से यहाँ पर डैलस। मैं चाहता था वैसे जुलाई में बुलाने के, बट अमेजिंगली और सरप्राइजिंगली टिकट्स इतनी महंगी हैं, समर हॉलीडेज आई बिलीव, बहुत महंगी फ्लाइट्स हैं, $2,000 पर पर्सन विच इज़ लाइक 1.5 लाख रुपये पर पर्सन, 3 लाख रुपये दो बंदों की फ्लाइट्स की टिकट फ्रॉम बैंगलोर टू डैलस जुलाई में है। मैंने कराई है 1400 की, 1400 एटलीस्ट कुछ तो पैसे बचे, आई बिलीव 2 लाख समथिंग दो जनों की हुई है, तो यू नो बहुत महंगी टिकट्स हैं। बट मुझे आपसे हेल्प ये चाहिए गाइस कि अब वो लोग जून में तो आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ बड़ी डैडी के ना कुछ कपड़े मंगवा लूँ इंडियन स्टाइल के, क्योंकि यहाँ पे डॉग्स के कपड़े मिलते हैं, बट मुझे चाहिए कुछ वैसे से एथनिक टाइप के, जो मैंने बहुत यूट्यूबर्स को देखा है अपने डॉग्स को पहनाते हैं इंडिया में, वो नहीं मिलते हैं यहाँ पे, तो कोई आपको कुछ पता हो तो बताना गाइस। तो कुछ ऐसे कपड़े जो लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर के हो, हम मंगवा लेंगे, खुद से मंगवा लेंगे साइज़ वाइज लेके, बट हमें पता नहीं कैसे कहाँ से मंगवाएं, कहाँ मिलते हैं ऐसे कपड़े जो एथनिक टाइप के हों, जैसे हम दिवाली पे पहनाएं बडी को, या फिर समझ लो कि ऐसे हॉलीडे टाइम पे पहनाएं बडी डैडी को, तो अच्छे लगेंगे। नॉर्मल कपड़े यहाँ डॉग्स के मिलते हैं यहाँ पे, हमें एथनिक चाहिए इंडियन स्टाइल के जो होते हैं, मैंने देखा है बहुत यूट्यूबर्स पहनाते हैं इंडिया में ना, पर हमें नहीं पता कैसे कहाँ से लाते हैं, अमेज़न पे है क्या बताना गाइस। प्रजोत दाल रेडी है, देखा कितने मिनट, 7 मिनट्स में रेडी है दाल, देख रहे हो मैजिक, रजत बिल्कुल रेडी है, बन गई दाल। गाइस कभी कभी सिंपल प्लेन दाल चावल आर द बेस्ट, बहुत बढ़िया लग रहा है, कभी कभी सिंपल आपको शाही पनीर ऐसे बड़ी बड़ी चीज नहीं बनानी होती, सिंपल दाल चावल भी कितने बढ़िया लगते हैं कई बार ना। शिल्पा बहुत अच्छा खाना बनाया आपने, हाँ बस ये मत बोलना कि चावल गर्म कर लो, उबल तो भी दाल के ला रही है, और कह रही चावल तो गर्म करे ना तुमने, अभी भी फूक मार के खाना पड़ रहा है उबलती हुई दाल, क्योंकि हैंड टू हैंड बनाया है इसने और अभी खाना पड़ रहा है, तो अभी भी कह रही चावल तो गर्म कर लेते। देखो अभी है ना बड़ी को मैंने बोला कि बाहर नहीं आना गराज से, तो वो नहीं आ रहा, टैडी सीख रहा है अभी, पर देखो कितना बढ़िया कर रहा है, दो पैर बाहर है, चलो अंदर टैडी, चलो अंदर अंदर, चल ठीक है कोई बात नहीं, बड़ी के भी दोनों वाले बड़ी, चल ठीक है बैठ जाए, तो भी दो बार बाहर रख ले, बराबर हो गए दोनों के, ट्रेनिंग चल रही है गाइस टैडी की इस समय, वरना देखो ऐसे ही बाहर भागे ना ये ना, और देखो बच्चे खेल रहे हैं सामने, तो ऐसे कि मेरी टैडी भाग ना जाए, बिल्ली बिल्ली भागी रैबिट आ गया तो, है ना बड़ी रैबिट, हाँ देखो कान कैसे हो जाते हैं बड़ी के। गाइस क्या आपको लॉन के पास गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं, होल छेक छेक छेक, मैंने आज एरेट किया लॉन, एरेशन मतलब बेसिकली गड्ढे गड्ढे करना होता है, इससे ना सॉइल ढीली हो जाती है, वरना सॉइल है ना बहुत टाइट हो जाती है गर्मियों में, और इट्स गुड, और मैंने अभी फर्टिलाइजर वगैरह डाला है, और इसके बाद मैं पानी दे रहा हूँ, उससे फर्टिलाइजर सीधा अंदर पहुँच जाएगा क्योंकि मैंने गड्ढे कर दिए। देखा गाइस सम पीपल आर वेरी क्रेजी, सी आई एम सो मच क्रेजी फॉर लॉन, ये तो अभी ब्राउन दिख रहे हैं ना, आप मेरे को 2 हफ्ते दो ग्रीन कर दूंगा इसको मैं, मतलब बहुत मेहनत का काम था ये गड्ढे करना, देखो क्लोजअप देखो पूरे लॉन पे ऐसे गड्ढे करना, और सो हार्ड वर्क मैन, थक गया आज मैं, बट यार मुझे लॉन का शौक बहुत अच्छा लगता है यार, आई एम क्रेजी क्रेजी बोलो जो मर्जी बोलो, मुझे लॉन मेंटेन करना बड़ा अच्छा लगता है, और ये वाली वीडियो मैं करता हूँ गाइस बंद, कुछ है नहीं हमारे पास आज आपको आज दिखाने के लिए, और हम बस बड़ी डैडी को फूड देंगे, वॉक करेंगे, अपना फूड खाएंगे और सोएंगे, अगले ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, बाय।